दोस्तों आईपीएल का 16वां सीजन 31 मार्च से शुरू होने जा रहा है, जिसमें रोहित शर्मा की अगुवाई वाली मुंबई इंडियंस आईपीएल आरसीबी के खिलाफ सीजन की शुरुआत करने जा रही है। यह मैच 2 अप्रैल को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं आईपीएल की सबसे सफल टीम मुंबई 6थी बार खिताब जीतने के लिए मैदान पर पूरी ताकत झोंक सकती है, लेकिन सीजन के शुरू होने से पहले फैंस प्लेइंग 11 को लेकर काफी बहस की जा रही है। तो दोस्तों चलिए यहाँ हम आईपीएल 2023 में मुंबई इंडियंस की सर्वश्रेष्ठ प्लेइंग 11 के बारे में बात करेंगे। इससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों मुंबई इंडियंस की सर्वश्रेष्ठ प्लेइंग 11 में ईशान और रोहित नहीं हो ऐसा तो ही नहीं सकता है। बता दें कि पिछले साल की तरह इस साल भी कप्तान रोहित शर्मा और विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन को पारी की शुरुआत करते हुए देखा जा सकता है। दोनों खिलाड़ी विस्फोटक आगाज दिलाने के लिए जाने जाते हैं। पिछले सीजन हिटमैन ने 13 मैचों में टीम के लिए 268 रन बनाए और अच्छा प्रदर्शन करने में असफल रहे, जबकि ईशान ने पिछले सीजन में 14 मैचों में 32.15 की औसत से 418 रन बनाए। वह टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी रहे। मुंबई इंडियंस का मिडिल ऑर्डर काफी मजबूत नजर आती है। इस क्रम में युवा खिलाड़ी तिलक वर्मा ने पिछले साल अपनी बल्लेबाजी से काफी प्रभावित किया था। जब कोई बल्लेबाज रन नहीं बना पा रहा थे तो इस युवा खिलाड़ी ने अपनी क्लास दिखाई। बता दें कि पिछले सीजन में शानदार प्रदर्शन करते हुए 14 मैचों में 36.9 की औसत से 397 रन और 2 अर्धशतक जड़े थे। सूर्या ने भी अपनी फॉर्म दिखाते हुए 3 हाफ सेंचुरी जमाई थी, जबकि रमनदीप सिंह को 5 मैचों में ही मौका मिल सका था, जिसमें 3 पारियों में 45 रन सफल रहे। अब बात हिट बल्लेबाजों की करते हैं जो मुंबई के लिए तुरु का इक्का साबित हो सकते हैं। बता दें मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 टिम डेविड और कैमरन ग्रीन को ऑलराउंड के रूप में चुना जा सकता है। दोनों ही खिलाड़ी तेजी से रन बनाकर मैच फिनिश करने के लिए जाने जाते हैं। डेविड ने पिछले सीजन में 8 मैचों में 216 के स्ट्राइक रेट से 186 रन बनाए थे। आईपीएल से संन्यास ले चुके किरण पोलार्ड का अच्छा विकल्प साबित हो सकते हैं, जबकि हाल ही में ग्रीन ने भारत में अच्छा प्रदर्शन किया है। वह इस साल अपना पहला आईपीएल सीजन खेलेंगे। वह गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में उपयोगी साबित हो सकते हैं। अंत में मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी की बात करते हैं तो इस टीम के साफ तौर से जसप्रीत बुमराह की कमी खल सकती है। आर्चर पिछले सीजन में उपलब्ध नहीं थे, लेकिन उन्होंने इस साल खेलने की पुष्टि की है, जो जसप्रीत बुमराह की गैरमौजूदगी में टीम के लिए हम तेज गेंदबाज होंगे। इनके अलावा जेसन बेहरेनडॉफ को आईपीएल 2023 में टीम में एक और तेज गेंदबाज के रूप में चुना जा सकता है। दोस्तों अगर आप भी क्रिकेट देखना पसंद करते हैं तो हमारे इस चैनल अपना कप को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।